बदशगुनी लेना ये बहुत सारे मुआरों में और तहज़ीबों में मुरवज था और अब भी मुरवज है लेकिन इस्लाम ने इसकी नफ़ी की है बदशगुनी क्या है किसी दिन को किसी जगह को किसी शख़्स को मनहूस ख्याल करना बाज़ लोग जानवरों के बोलने से बदशगुनी लेते हैं कि उल्लू बोल पड़ा है तो यह काम हमने नहीं करना बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो ये काम हमने नहीं करना इसी तरह बाज़ अशखास को मनहूस ख्याल किया जाता है कि बाज़ लोग मनहूस हैं अमूमन बाज ख़ानदानों के अंदर किसी औरत को मनहूस ख्याल कर लिया जाता है और पूरे ख़ानदान के लोग उसके बारे में ये राय कायम कर लेते हैं कि ये मनहूसा है और ये अगर सुबह सुबह इससे मुलाकात हो गई तो फिर सारा दिन ख़राब गुजरेगा तो ये एक तसुर है बदशगुनी का जो हमारी माशरत के अंदर पाया जाता है जहलीत के ज़माने में ये सारी चीज़ें मौजूद थी आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों की नफ़ी की और अल्लाह पर तोल करना अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया ओलामा की सोहबत में बैठने वाले लोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचे रहते हैं आम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जाहल पीरों मलंगों और ये बंगियों चस्सीियों के पास बैठने वाले लोगों के अंदर तो कूट कूट के ये हिंदुआना चीज़ें रची बसी होती हैं इसलिए हमें शरीय बैजा के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने नज़रियात शरीयत से लेने चाहिए अहल इल्म की सोबत में बैठने से नूर मिलता है और हकीकी रास्ता नसीब होता है तो किसी को मनहूस करार दे देना ये हमारी अपनी इख्तरा होती है हमारा अपना वस बातिन होता है हुजूर ने इशार फरमाया एक तो मुतादी मर्ज नहीं है अगर मैं इसके पास बैठा तो ये मर्ज मुझे इससे लग जाएगी दूसरी बात इशार फरमाई वाला हा माता, उल्लू का बोलना कोई माना नहीं रखता उसकी आवाज़ कोई माना नहीं रखती तीसरी बात फरमाई और ना ही सितारों की कोई तासीर है कि फलां सितारे का ये असर है इकबाल कहता है ये सितारे मेरी किस्मत पर कैसे अंदाज़ होंगे जो ख़ुद अफलाक में ज़ारो ज़बूँ घूम रहे हैं वो बाज़ कहते हैं हाथ की लकीरें काम करती हैं जी ये तेरी हाथ में फलां चीज़ की लकीर ही नहीं है फलां की लकीर ही वो बैठे होते ना फुटपाथ के उतर प्रोफेसर बाबा जो किस्मत का हाल बताते हैं दस रुपये लेते हैं तो वह बता रहे होते हैं तेरी किस्मत में ये है तेरी किस्मत में ये है तेरी किस्मत में ये है वो किसी ने कहा किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते तो ये लकीरों में किस्मत को तलाश नहीं किया जा सकता जब बच्चा शिकम में मादर में 120 दिन का होता है सही हदीस में आता है फरिश्ता उसकी उम्र भी लिख जाता है उसका रिज्क भी लिख जाता है उसका शिकी और सईद भी होना लिख जाता है लिख दिया गया कलम उठा लिए गए और सहीफे खुशक हो गए अब कोई नहीं लिखा जाएगा तो जो शिकम मदर में, में लिखा गया लिखा गया और चौथी बात अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सफर कुछ नहीं है यानी कुछ लोग कहते हैं ये जो सफर का महीना है ये बहुत ही सख्त महीना होता है और इन दिनों के अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए इन दिनों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए इन दिनों के अंदर अगर शादी की जाए तो वो शादी कामयाब नहीं होती इसलिए कि ये महीना मनहूस है मैं आपको बताता हूँ कि इस सफ़र के महीने में ना अली की शादी हज़रत सैदा फ़ातिमा से हुई है बताओ इससे कामयाब कोई शादी हो सकती है कोई कहते हैं जी इस महीने में अगर शादी हो तो औलाद नहीं होती हज़रत अली और सैदा फातिमा की शादी हुई है हसन और हुसैन पैदा हुए हैं ऐसे कोई बेटे तो लाओ ज़माने में हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तनहा और हजूर की शादी माह सफ़रमुमजफ़र में हुई है इसलिए हमारे ओलाना इसको खाली सफ़र का महीना बोलने के बजाय सफ़रल ख़ैर या सफ़रलमज़फ़र के नाम से पुकारते हैं यानी कामयाबी का महीना ख़ैर का महीना तो ये महज लोगों की इख्तरात हैं तो जिस तरह बाकी महीनों में शादी करने में कोई हरज नहीं तो सफ़र के महीने में भी शादी करने में कोई हरज नहीं फरमा ये बदशगुनी लेना ये शिरक है अल्लाह के तवक् के मुनाफी बात है इसलिए जाहिर लोगों का काम है कि लोगों को ओ में वस में मुबतरा रखें जयफ़ अतकदी कायम रहे ताकि कुछ लोगों का काम चलता रहे लेकिन अल्लाह के महबूब जो दीन ले आए उसमें इसको अलामत शिरक बताया गया ये जो बदशगुनी है ये फरमाया तुम्हारे अंदर का बस वस है और जब कोई बंदा अंदर से ज़यफ़ उलतक़ात होता है तो फिर ये चीज़ें उसे पेश आती रहती हैं। उसको ये समझता है हाँ हाँ उसी वजह से हो रहा है तो ये चीज़ें इंसान की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में रख